Hi, my question is to you both. Anand, what have you learned from Amir? And Amir, aap Anand se kya seekhe? Because both of you are perfectionists in your own fields. I would say the thing I respect most about him is how conscientiously he does, the attention he pays to his films, the research he does, the effort he puts into. He doesn't do a lot of them, but if he does something, it's going to be 300%, 400%. And that's something I respect a lot. I feel recently I'm trying to do something similar, where, play a little bit less, but put more effort into every event. So that's probably what I respect more. And you can feel this in his movies, the intensity of the effort. Well, I have learned so much from Anand. I appreciate so many things about him. But the thing that strikes me most is the grace with which he carries himself, even publicly. Apart from his chess life, he's a champion. He's very hardworking. He gives more than 100% to everything. And that's all very inspiring. But the way he also conducts himself publicly is something with so much grace, with so much poise and dignity. It's really amazing to see that. Yeah. And by the way, each time your kid called, I would say, "Hey, Anand's calling me. Yeah? Pick up the phone." And then you'd be, no, that's my son. He just called by mistake. I was like, oh God, okay. I was hoping he had something to say to me. Hello, Amin? Amin, yeah. Yeah. Ah. आमिर पहले आपके दोस्तों से पहले बहुत पहले बात हुई थी उन्होंने कहा था कि आप शूटिंग के बीच में चेस खेला करते थे और बहुत माहिर खिलाड़ी क्या आज के दौर में आपको वक्त मिलता है चेस खेलने मैं चेस खेलता रहता हूँ मैं बहुत एमेचर लेवल पे खेलता हूँ कि मैंने कभी सीखा नहीं है मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है चेस में लेकिन शौक बहुत है ये खेल बहुत ही कमाल का खेल है मुझे बहुत ही पसंद है ये खेल तो जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं खेलते रहता हूँ के साथ खेलते हैं ज़्यादा सेट पे जो भी कोई मिल जाता है मैं पकड़ते रहता हूँ लोगों को आ जाओ खेलते हैं इंडस्ट्री में कई लोग हैं जो अच्छा खेलते हैं शम्मी अंकल शम्मी कपूर साहब बहुत अच्छा खेलते थे उनके साथ मैंने खेला है और परेश रावल जी अच्छा खेलते हैं आशुतोष ग्वारेकर जी अच्छा खेलते हैं कई लोग हैं क्या आपके बच्चे भी चेस खेलते हैं मेरा बेटा खेलता है जुनैद खेलता है हाँ और जब चूंकि वो मुझे बचपन से देखता आ रहा था चेस खेलते हुए और अब आजाद मुझे देखते हैं तो मुझे याद है जुनैद माय सन व्हेन ही वुड सी मी प्लेइंग चेस ही डिडंट नो हाउ टू ही वाज टू स्मॉल एट दैट टाइम बट ही वुड प्रिटेंड टू प्ले चेस विद मी एंड ही वुड मूव द पीसेस हियर एंड देयर एंड जस्ट लास्ट मंथ आजाद वाज डूइंग द सेम थिंग आई वाज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस सो ही वाज पिकिंग अप द पीसेस एंड प्लेइंग विद मी आमिर आप जोर से ज्यादा फिट लग रहे हैं मैं फिट लग रहा हूँ जरूरत से आपको चश्मों की जरूरत है मेरा कमेंट ही समझे मैं इस वक्त इतना मोटा हूँ फिट तो कोई एंगल से नहीं हूँ मैं जरूरत से ज्यादा फिट जरूरत से ज्यादा फिट हाँ आमिर सर मेरा सवाल आपसे आजकल लीग्स को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है आईपीएल हुआ आईएसएल हुआ एमसीएल भी अब एक उसमें शामिल हो गया तो आप इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन मॉडल का एक तरीका हो गया जी और क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं कि खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहन और बढ़ावा मिलेगा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे आंसर चाहता हूँ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मेरी जानकारी कम होगी इसमें और जो खेल सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्रिकेट है उसमें शायद ज्यादा इसमें कमर्शियल वैल्यू होगी बनिस्बत बाकी जो खेल के हर खेल की अपनी अपनी खूबी होती है मुझे लगता है और यकीनन इससे जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत कुछ फायदा होता है नॉट जस्ट मॉनेटरी एडवांटेज एंड मॉनेटरी सपोर्ट खासतौर से उन खेलों में जो इतने लोकप्रिय नहीं हैं जो इतने जैसे क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय है तो ऐसे प्लेयर्स को एक सपोर्ट मिलता है इंकरेजमेंट मिलता है और यंगस्टर्स को वो एक्सपोजर मिलता है उस खेल की तरफ तो ये बड़ी अच्छी बात है गुड इवनिंग आमिर विक्रम थापर फ्रॉम एनडीटीवी हाय विक्रम हाय यू नॉट एज एमेच्योर एज यू से यू आर इन द गेम ऑफ चेस आई रिमेंबर 2006 यू वर प्लेइंग अगेंस्ट ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंते या आई वाज प्लेइंग अगेंस्ट हिम एंड ही वाज वेरी काइंड ही फोर्स्ड टू ड्रॉ ही फोर्स्ड टू ड्रॉ यू डिडंट अलाउ मी टू लूज
So it was the Italian opening that, it was the Italian open or whatever they call it. I mean, the Guico piano, I believe. And what are you going to start with today against Anand? Do I get white? Sure. Okay. I'm going to start with Ray Lopez. Could you? I shouldn't have said that. Anand's mind is already ticking. Okay. You've done a film on the game of cricket. You've done. You're going to be doing one on the game of wrestling. Have you ever thought of doing one on chess, considering it's so close to your heart? You know, I would love to if the right kind of script came about. So if something comes up, I would love to. Yeah. But I don't work towards scripts. I like scripts to come to me organically. So let's see if something comes up. हेलो आमिर या दिस इज सुनीता फ्रॉम इंडिया टीवी आमिर आपने कहा कि बॉलीवुड में आप बहुत लोगों के साथ चेस खेलते हैं और बहुत लोग खिलाड़ी भी हैं किसी ने आपको हराया है चेस में कभी ऐसा हुआ है नहीं कई दफा मैं हारा भी हूँ चेस में अच्छा कटरीना जी भी बड़ा अच्छा खेलती है अच्छा मतलब उनके साथ हारे हैं आप नहीं उनके साथ हारा नहीं अभी तक मैं उनके साथ अभी तक हारा नहीं हूँ लेकिन ऑलमोस्ट हारा हूँ अच्छा खेलती हूँ अच्छा और हारा किससे हूँ मैं हाँ नहीं नहीं कई लोगों से हारा हूँ मतलब ऐसी बात नहीं है लेकिन मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है जो आपने हारने की बात की जानना चाहिए मैं लगान की शूटिंग कर रहा था भुज में और हमारे सेट पे कुछ एक गेस्ट आए थे और उनकी छोटी बच्ची भी आई थी साथ में वो शायद 5 या 6 साल की थी तो उन्होंने कहा कि हम आपसे चेस खेलना चाहेंगे लड़की ने कहा तो मुझे लगा यार ये छोटी सी लड़की अभी कहाँ मैं चेस खेलूंगा इसके साथ तो मैंने कहा ठीक है खेलते हैं वो लड़की ने मुझे करीबन 20-25 मूव में हरा दिया और मुझे बाद में पता चला कि वो एक्चुअली शी वाज अ लाइक शी टू प्ले द सर्किट एंड शी प्ले टूर्नामेंट्स इन चेस एंड ऑल दैट शी बीट मी हाँ व्हाट गांधी हर नेम इज गांधी दवे ध्यानी दवे ध्यानी दवे देखिए उनको नाम भी याद है तो ध्यानी दवे से मैं हारा हूं वो 6 साल की थी उस वक्त और एक और खिलाड़ी था उसका नाम है शायद आसिफ बैंगलोर से जो अब तो नौजवान हो गया वो बड़ा अच्छा प्लेयर है लेकिन उस वक्त वो आई थिंक under 7 या under 9 का बहुत अच्छा खिलाड़ी माना जाता था मुझे उसकी बात उस बात का अंदाजा नहीं था तो जब मैंने उससे पहली दफा खेला तो वो इतना छोटा था कि उसके पैर जो थे जमीन पे नहीं लग रहे थे वो जब चेयर कुर्सी पे बैठा था तो उसके पांव हिल रहे थे तो मैंने पूछा क्या लेंगे आप तो उन्होंने कहा मैं गोल्ड स्पॉट लूंगा तो गोल्ड स्पॉट पीते पीते उन्होंने मुझे पहले गेम में 7 या 8 मूव में हरा दिया तो फिर मैंने कहा कि नहीं मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था दोबारा खेलेंगे दोबारा खेला तो 20-25 मिनट में हरा दिया मुझे तो मैंने कहा नहीं मैं आपसे अलग से खेलूंगा सेट पे नहीं खेलूंगा मैं अच्छा द स्टोरी बिगैन विद हिम वांटिंग टू प्ले चेस विद मी और मैं वक्त नहीं दे रहा था अब मैं उनके पीछे पड़ा हुआ था तो मैंने कहा आप अगली दफा बंबई कब आ रहे हैं तो उनकी मम्मी साथ में थी कहा कि हम आएंगे अभी 1-2 महीने के बाद तो 3-4 महीने के बाद वो यू फॉलो हिंदी लिटिल बिट सो 3-4 months लेटर दिस लिटिल बॉय हु हैड बीटन मी ट्वाइस केम बैक टू बॉम्बे एंड आई कॉल्ड हिम होम फॉर लंच आई कैंसल्ड ऑल माय मीटिंग्स आई सेड दिस गेम आई हैव टू विन अबाउट 8-year-old किड तो हम लोग बैठे गेम वेंट ऑन फॉर अबाउट 3-3.5 hours And it reached the end game, and I had actually broken up his defense. And there was one move which I was wondering which I had choice of 2 moves to go with. And the game had become so intense by then that my head was getting warped, you know, I couldn't think straight. It had reached that point. And I said, you know, actually I've already won the game, so it doesn't matter, I'll do this. My instinctively I went with one move. The moment I played that move, he said, you've lost. I said, oh my God. I said, anyway, what does he know? I'm going to win. But eventually I did lose. And then he came back and said, look, if you had played the other move, you would have won. So this 8-year-old boy, after the game got over, was very gracious to me and said, you know what? Your game has improved. Amir Salman. So I have some lovely memories of losing in chess to little children. अमित सलमान की कोई रुचि नजर आती है इसमें कभी उनके साथ आपने चेस खेला है या उनका इंटरेस्ट सलमान के साथ चेस खेला तो नहीं है लेकिन जब भी कभी खेलने का मौका आएगा तो हाँ क्या लगता है कौन जीतेगा ये बोल रहे हमको बता देना
सलमान जो है वो चेस जो है वो ऐसे खेलेंगे चेस. That's good. आमिर एज क्या थी वो जब आपने चेस खेलना सीखा? आपने नहीं जब बताया? मैंने खेलना शुरू किया मेरी उम्र भी यही 6-7 साल की थी, अराउंड 7 इयर्स ओल्ड, और अपनी दादी से मैंने सीखा था. और मैंने हिंदुस्तानी रूल सीखे थे जो जिसमें प्यादा जो है वो सिर्फ एक घर चलता है और उसमें कासल नहीं होता, लेकिन राजा जो है गेम में एक दफा घोड़े की चाल चलता है. तो द ओल्ड इंडियन रूल्स ऑफ चेस इज व्हाट माय ग्रैंडमदर हैड टॉट मी, देन ऑफ कोर्स आई वेंट ऑन टू लर्न द इंटरनेशनल रूल्स. आमिर अपना अलग ही होगा, कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन का हमारा भी अपना कहने का तरीका है दैट वी आर. सारे हमारे माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगा